हेलो डियर स्टूडेंट्स वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस आज हम क्लास सेकेंड के मैथ्स का एक्सरसाइज वन पॉइंट एट स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे क्या कह रहा है uh, रिहा रिहाना कोलेक्ट्स uh, रुपीज़ टेन कोइंस रिहाना ने टेन रुपीज़ के कोइंस एट कियाइंस अगर उसने यानी कि टेन रुपीज़ के एट कोइंस कोलेक्ट करेंगे हाउ मच मोनी डज शी हैव उसके पास यानी कि टोटल कितने मोनी होंगे तो हम यहाँ पे इस तरह से इसको लिख सकते हैं टेन रुपीस के उसने कोइन कलेक्ट किए उस टेन रुपीस के कितने यानी कि उसने कॉइन जमा किए एट तो एड़ जीरो, जीरो, एड़ एट ज़ीरो जीरो एट वनसा एट यानी कि तो उसके पास टोटल कितने पैसे कितने आए रिहाना है

नाइन स्लाइड्स नाइन चिल्ड्रंस नाइन थ्री सा ट्वेंटी सेवन तो ट्वेंटी सेवन का सेवन हम नीचे रखते हैं और टू को यहाँ पे केरी कर देते हैं नाइन वन सा नाइन नाइन प्लस टू एलेवन देर आर वन हंड्रेड सेवेंटीन चिल्ड्रंस ऑन दिमिलरली देर आर ट्वेंटी कैंडल्स इन ए पैकेट एक अगर एक पैकेट में ट्वेंटी नाइन कैंडल्स है तो हाउ मेनी कैंडल्स विल फोर सच पैकेट इस तरह के चार यानी कि पैकेट्स में कितने कैंडल्स होंगे तो हम डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे ट्वेंटी नाइन मल्टीप्लाई बाई फोर फोर नाइन जा थर्टी सिक्स सिक्स नीचे थ्री यहाँ पे कैरी रही फोर टू सा एट एट प्लस थ्री एलेवन वन हंड्रेड सिक्सटीन सच कैंडल्स देर आर वन हंड्रेड सिक्सटीन कैंडल इन फोर पैकेट्स तो इसी तरह से आप इसको भी मल्टीप्लाई करके यहाँ पे फिल करेंगे इसके बाद आते हैं डिवीज़न में तो डिवीजन में अकर, करना क्या है आपको और यहाँ पे आपके पास जो एक्सरसाइज वन पॉइंट एट है ये एक्सरसाइज वन पॉइंट एट के जो क्वेश्चन है इसको आप यानी कि अपने आ, बुक पे ही सोल्व करके मतलब फिल करके फिल करेंगे तो एगर, चैप्टर नंबर टू हमारा डिवीजन है डिवीज़न हम स्टार्ट करते हैं तो एक्सरसाइज टू पॉइंट वन से हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे क्या कह रहा है डिवाइड द फॉलोइंग इक्वली एंड राइट द डिवीजन फैक्ट फॉर इच यहाँ पे जो यानी कि नंबर दिए गए हैं डायग्राम्स इनको यानी कि इक्वली डिवाइड करना है इक्वली डिवाइड का मतलब यहाँ पे टोटल यानी कि सिक्स कैरेट्स है तो इन सिक्स केरट्स को हमें थ्री रैबिट्स में क्या करना है डिस्ट्रीब्यूट करना है डिवाइड करना है तो उसके लिए क्या होगा टोटल हमारे पास कैरेट जो है सिक्स है उसको डिवाइड करना है थ्री रेबिट्स में तो थ्री टू झा सिक्स यानी कि हर एक रेबिट को टू टू जो है केरेट्स इस तरह से मिलते हैं इस तरह से भी आप बना सकते हैं इच रेबिट गेट टू कैरेट तो हर एक रेबिड को दो केरेट्स मिला ट्वेल्व बनाना इन थ्री प्लेट्स अब हमारे पास टूल्व बनाना से इन ट्वेल्व बनानास बनाना को थ्री प्लेट्स में डिवाइड करना है तो हम लिख सकते हैं टूल्व डिवाइडेड बाई थ्री Is equal to four. Each प्लेट has four bananas. तो हर एक प्लेट पे फोर बनाना चाहेंगे या आप इस तरह से बना सकते हैं फॉर एक्ज़ाम्पल हमें थ्री हमारे पास प्लेट है तो हर एक प्लेट पे कितने यानी कि बनाना चाहते हैं फोर प्लेट्स इस तरह से इस तरह से हम बना सकते हैं तो ये रहा सेकंड अब हम यहाँ पे जाते हैं सिक्स स्टार्स इन फोर क्लॉड अगर यानी कि यहाँ पे सिक्सटीन स्टार्स है उसको फोर क्लोड्स में क्या क्लाउट्स में डिवाइड करना है तो सिक्सटीन डिवाइडेड बाय फोर तो अगर हम इस तरह से डिवाइड करते हैं जैसे हमारे यानी कि डिवीजन जो है इस तरह से करते हैं तो फोर फोर सिक्सटीन हो जाते हैं फोर फोर जिक्सटीन तो क्या हुआ यहाँ पे फोर आया आंसर अब हमारे पास अगर सिक्सटीन स्टार्स है इन सिक्सटीन स्टार्स को हमें four, यानी कि फोर इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है तो हमारा फोर फोर हो जाते हैं ईच लॉट हैज़ हर एक लॉट के पास न, कितने हो जाते हैं फोर स्टार्स जैसे यहाँ पे ये एक क्लॉड के पास ये एक लॉट के पास ये एक लॉट के, के पास और एक लॉट के पास तो हर एक यानी कि लॉट के पास चार चार आ, स्टार्स आएंगे तो सिमिलरली आप बलूनस ये टॉफीज़ और यहाँ तक यानी कि आप जो है होमवर्क के लिए करेंगे एक्सरसाइज टू पॉइंट वन के पेज नंबर यानी कि नाइन्टी सिक्स ये आप जो है अपने स्कूल के कॉपी पे होमवर्क के लिए यहाँ से यहाँ तक पेज नंबर नाइन्टी सेवन तक आप यहाँ तक लिखेंगे अपने स्कूल के पे तो अब आप लोगों को समझ में आया होगा इससे आगे हम कल डिस्कस करेंगे थैंक यू हैवे नाइस डे